बेलियो आज मैं ताको परफेक्ट स्केल मेड इन जापान दा कंडा है वो कैलकुलेटर मीटर है जे मतलब प्राइस कंप्यूटिंग है जे इंदा तरीका सीखे सा आओ दोस्तों देखो ये प्रॉब्लम क्या है। ये मेरे को 100 किलो दा कंडा है, ये प्रॉब्लम क्या है देखो भाई जान। हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाए। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो 19 किलो से 810 ग्राम दस पै 20 किलो का वट्टा रखी गए हैं, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्केल, परफेक्ट स्केल है, परफेक्ट स्केल जापान, इनका मॉडल नंबर इट्स 205, ठीक है, PS 205। दोस्तों आओ इनकी कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। इंदे उत्ते वट्टा लहा गए थे, हुण उन तो बाद इंदा कोड है 3658, ये असं डायल करना है। 3658 कोड है, टायर वन वर टायर। ये वट्टा रखी दे पाए थे, ये 20 किलो का वट्टा रख दिए थे, दूध उत्ते वट्टा रख दिए थे, वाल टायर वाला बटन दबाने, इतना अगर वजन लिखने 20.000, वाल टायर कैपेसिटी लिखी खड़ी 99 किलो, वाल टायर इशारे तो बाद 3 से ए ठीक है था पाए, टायर 5 ग्राम में चलता पाए, ठीक है। ये देखो ये मैं कैलिब्रेशन की दिया, उम्मीद है पसंद आई सी। मजीद मैं आखता वहाँ मेरी जड़ी भी कोई कैलिब्रेशन तो जरूरत है सैकी दे या कोई नवी इंडिकेटर मॉडल की तो रिक्वेस्ट करे तो लाजमी बना दे।